नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे दिन की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियां और जनहित की योजनाओं पर जनता की मुहर बताया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला है वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित हुआ है। इस विजय के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। देश में शनिवार को कोरोना के 41,463 मामले सामने आए। इस दौरान इतने ही यानी 41,463 मरीजों ने महामारी को मात दी है, जबकि 800 से ज्यादा लोगों की बीते दिन संक्रमण की वजह से मौत हो गई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 908 की कमी आई है। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसे में रविवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद है। इन दिनों देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग तेजी से उठ रही है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कई राज्यों की आबादी इस दशक में स्थिर हो जाएगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में फर्टिलिटी रेट गिरकर प्लेसमेंट रेट 2.1 के बराबर आ गया है। जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल सहित जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है वहां भी फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत 1.8 से नीचे है। इसमें यूपी अपवाद है जहां दर 2.4 है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट डायरेक्टर आलोक बाजपेयी के मुताबिक प्रजनन दर का सीधा संबंध धर्म से नहीं बल्कि शिक्षा, सामाजिक आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधा से है। 68% मुस्लिम आबादी वाले जम्मू कश्मीर में फर्टिलिटी रेट 1.4 है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दें तो फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम है। सिर्फ 5 राज्यों में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट के बराबर या ज्यादा है। 100 साल पहले मध्य प्रदेश की आबादी 1.39 करोड़ थी, लेकिन राज्य में अब हर दशक में इतनी आबादी बढ़ रही है। हर साल लगभग 15 लाख लोग राज्य के हिस्से में जुड़ते जा रहे हैं। इस लिहाज से हम आबादी के हिसाब से थाईलैंड, फ्रांस, यूके, इटली और साउथ अफ्रीका से भी आगे निकल चुके हैं। हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना इसी साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण टल गई। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो प्रदेश की आबादी अब 8.45 करोड़ के आसपास है। यानी आबादी की यही रफ्तार रही तो मुमकिन है कि हम अगले 1.5 दशक में 10 करोड़ हो जाएंगे। वहीं भोपाल शहर की बात करें तो 100 साल पहले 1921 में यहाँ की आबादी केवल 1.40 लाख थी, जो 2021 में 21 लाख पहुँच गई है। यानी 100 साल में भोपाल की आबादी 15 गुना बढ़ी। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले ने दम पर मात देने का दम भर रही कांग्रेस का पंचायत चुनाव में कहीं कोई प्रभाव नहीं दिखा। जिला पंचायत चुनाव से लेकर ब्लॉक प्रमुख चुनावों तक में पार्टी एक तरह से पूरे चुनावी परिदृश्य से बाहर दिखी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में केवल प्रतापगढ़ जिले में पार्टी के 3 प्रत्याशी जीत सके हैं। ऐसे में फिर से सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस अपने दम पर कैसे मिशन 2022 का सपना साकार कर सकती है। जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में भी पार्टी का कोई प्रभाव वजूद नहीं है। शनिवार को हुए ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव में भी कांग्रेस का उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं रहा। इस दौरान भी प्रतापगढ़ जिले में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोना के प्रयासों से 3 ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों की जीत हुई। जिले के संग्रामगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस की नीतू सरोज निर्विरोध चुनी गई। उधर ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के बाद पार्टी ने मतदान के दौरान हिंसा को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा है कि चुनाव में सत्ता का जमकर दुरुपयोग किया गया है। एलजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पैतृक गांव शहर बन्नी में शुक्रवार को अपनी पहली मां राजकुमारी देवी से मिलकर भावुक हो गए। इस दौरान राजकुमारी ने चिराग को मिठाई खिलाई और माला पहनाकर जीवन में सफल होने का आशीर्वाद दिया। वहीं चिराग ने राजकुमारी देवी को अपने हाथों से खीर खिलाई। चिराग ने मां को विश्वास दिलाया कि वो समय निकालकर अपने गांव आते रहेंगे। पिता की धरोहर को वो कभी नहीं भूलेंगे। मां से मिलकर चिराग इतने भावुक हुए थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। परिवार के सदस्य शंभू पासवान ने बताया कि पहली बार मां और बेटे एक दूसरे को खाना खिलाकर धन्य हो रहे थे। इस दृश्य को देखकर मौजूदा लोगों के आंखों में आंसू छलक उठे। घर से निकलने के बाद चिराग पासवान ने बताया कि वो परिवार और मां से आशीर्वाद लेने आए थे।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। जिला पंचायत चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा AIMIM की हो रही है, क्योंकि AIMIM 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं, यहां 140 से अधिक विधानसभा सीट पर असर डालते हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इनमें से 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, पर सवाल ये है कि आखिर AIMIM यूपी में चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। दिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया के साथ।